ब्राह्मणवाद की व्यवस्था यहाँ कायम थी, तो व्यवस्था हमें सूत्र बना करके एक पिंजरे में बंद कर दी, जहाँ उसे हर व्यवस्था से बाहर करके रखा गया और इसलिए हमें आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण हमें भी नहीं, यह आरक्षण हमारा अधिकार हुआ। जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, हम उन विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वहां से बच्चे हमारे पढ़ करके कोई आरक्षण से कोई अगर अवसर बन गया तो लोग कहते हैं कि तो आरक्षण का खोटा वाला कि हम दलितों पर पिछड़ों पर अत्याचार बंद हो। अगर सही बात लेने चाहते हैं कि हमारे बच्चों और बच्चों का भविष्य बिहार में उज्जवल हो, तो इसके लिए जरूरी है अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार की स्थापना करना और इन चोर लुटेरों से बिहार को मुक्ति दिला। अगर हम सभी छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती को मनाने यहाँ आए हैं, ये एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे योद्धा थे, जब राज गद्दी पर बैठा हुआ कोई राजा अपने गरीब प्रजा की तरफ कभी देखना मुनासिब नहीं समझता। गरीब जनता के ऊपर क्या कसर है, क्या कमियां है, कैसे उनकी गुजर बसर हो रही है, ये राजा को कभी फिक्र नहीं होती। राजा बेलगाम होते थे और वैसे परिवेश में पले हुए एक राजा, एक कुर्मी राजा ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई कि सूत्रों को ही आगे बढ़ाने की जरूरत है और जब तक सूत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा समाज बराबरी का दर्जा नहीं पा सकता है। और वैसे कुर्मी राजा ने सबसे पहले अपने राज दरबार में आरक्षण की व्यवस्था को कायम, जहां मंत्रियों की संख्या, जहां ब्राह्मणवाद का बोलबाला था, उस परिवेश में उस ब्राह्मणवाद के बोलबाला को रोकते हुए, उन पर नकेल कसते हुए वहां एक समरस समाज की स्थापना के लिए रास्ता खोला और उन्होंने बताया कि आजादी के पहले एक ऐसे राजा हुए जिनकी जयंती हम आजादी के 75 साल बाद भी मना रहे हैं, कि आज मना करके बता रहे हैं कि वही छत्रपति साहू जी महाराज थे जिन्होंने हमें आरक्षण दे करके इस भारत राष्ट्र में सबसे आगे बढ़ाने के लिए पहला प्रयास, सफल प्रयास करने का हम पिछड़ों दलितों और पिछड़ों का उन्होंने किया। और आज उन्हीं की बदौलत बाबा साहब भी विदेश गए, ये छत्रपति साहू जी महाराज कहे कि बाबा साहब उन्होंने अपने राज सत्ता के खर्चे पर, अपने राज के खर्चे पर विदेश भेज करके पढ़ाया लिखाया और आने के बाद उन्हें सबसे मुक्त करते हुए भारत में सबसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का काम किया। ये हमारे पूर्वज छत्रपति साहू जी महाराज कहे, हम आज उन्हें याद करते हैं। और छत्रपति साहू जी महाराज एक ऐसे सुधार के जनक थे कि केवल सूत्रों का जीवन ही नहीं, उन्होंने महिलाओं का जीवन के लिए भी एक नई पहल की, एक नई ऊंचाई दी थी और उन्होंने महिलाओं के लिए भी न जाने कितने रास्ते खोले, जहां विधवा विवाह की भी बात कही, सबको पढ़ने का समान दर्जा दिया। इसके पहले हम शूद्र समाज के लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार दिया, लेकिन उन्होंने न पढ़ने का अधिकार ही दिया, नौकरियों में भी हमें आरक्षण देकर के हम शूद्र समाज को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। लेकिन आज बड़ा दुख होता कि आज 124 साल पहले हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने प्रयास किया, 122 साल पहले प्रयास किया और 122 साल के पहले के प्रयास के बाद आज भी हमारे भारत में यहाँ की जो वर्तमान सरकारें हैं, बिहार में चाहे वो राज्य की सरकारें हों, आज भी छत्रपति साहू जी महाराज के सुधारों से सबक नहीं, उनके बताए हुए रास्ते पर आज भी नहीं चलना चाहती है। जो छत्रपति साहू जी महाराज ने जो रास्ता दिखाया, उन रास्तों को
आज भी ये सरकारें बंद करके आज शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, अभी हमारे सांसद जी ने कहा कि क्या फ्री है शिक्षा, तो सही मामले में क्या शिक्षा हमने को फ्री मिला था? शिक्षा बात फ्री हमने के ये सब जगह एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि सब जगह प्राइवेट व्यवस्था शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली। हम दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं जहां शिक्षक, जहां शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, हम उन विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वहां से बच्चे हमारे पढ़ करके कोई आरक्षण से कोई अगर अवसर बन गया तो लोग कहते हैं कि तो आरक्षण का कोटा वाला है, ये आरक्षण का कोटा वाला है। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण बाबा साहब ने दिया या छत्रपति साहू जी महाराज का शुरुआत, क्यों देने की जरूरत पड़ी, क्यों हमें आरक्षण देने की जरूरत पड़ी, सबसे पहले इस पर विचार करें। क्या फिर क्या कारण था, क्या आरक्षण हम अधिकार नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि आरक्षण हमें इसलिए मिला है, चाहे वो दलितों को मिला हो, पिछड़ों को मिला हो, अति पिछड़ों को मिला हो, इसलिए देने की जरूरत पड़ी कि हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित रखा गया और उन्हें शिक्षित नहीं होने दिया गया, इसलिए ब्राह्मणवाद की व्यवस्था यहाँ कायम थी, जो व्यवस्था हमें सूत्र बना करके एक पिंजरे में बंद कर दी, जहां उसे हर व्यवस्था से, हर जरूरत के सुविधाओं से उसे बाहर करके रखा गया और इसलिए हमें आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण हमें भी नहीं, यह आरक्षण हमारा अधिकार हुआ, हमारा अधिकार है और यह अधिकार इसलिए है कि हजारों हजार साल तक हमारे पूर्वजों को शिक्षा से वंचित करके बंधक बना करके रखा, और आज अगर हमें आरक्षण मिलता है, आरक्षण में हमारे लोगों को नौकरियां मिलती है, तो लोग कहते हैं कि आरक्षण का कोटा वाला है, यह आरक्षण वाला है, कह करके लोग हमारे लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं। मैं उन्हें आगाज करना चाहता हूं, मैं उन समाज के सामंतवादी समाज को, ब्राह्मणवाद समाज को ये बताना चाहता हूं कि ये हम आरक्षण के लिए लालायित नहीं है, लालायित हम इस बात के लिए है, एक बार हमारे साथ अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में बैठा कर देख लो, फिर किसी आरक्षण की जरूरत पड़ती है तब फैसला कर लेना। एक बार ये फैसला कर लो कि अगर हजारों साल ब्राह्मणवाद की व्यवस्था ने हम सूत्रों को पढ़ने नहीं दिया तो तुम 10 साल के लिए अपने शिक्षा से वंचित, तुम्हारे अधिकार को खत्म कर दिया जाता। 10 साल से उन ब्राह्मणों को जिन्हें शिक्षा के लिए हमें वंचित, हमें शिक्षा से वंचित रखे थे, कि अगर हम उन्हें वंचित कर दें और हमें सब समाज सब जगह हमारी कब्जा हो तो क्या हमें आरक्षण की जरूरत हो? तो हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर उल्टा हम आरक्षण के घोतक नहीं, आरक्षण के भीख में नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि एक तरह की शिक्षा सबके लिए हो और उसके बाद आरक्षण को हटा दे तो खुद रख, लेकिन एक तरह की शिक्षा इस भारत में सबके लिए हो पाए, तब हमारा ये दोरंगी नीति खत्म होगी। और ये बाबा साहब ने भी कभी दो तरह की शिक्षा नीति की कल्पना नहीं की होगी कि आज भारत में इस तरह की व्यवस्था होगी। आज जो बिहार के अंदर पिछड़े का राज है 34 सालों से, लेकिन 34 सालों के पिछड़ों के राज में आपने देखा होगा कि पिछड़ों के राज में हम पिछड़ों की कौन सी दुर्दशा हुई, हम दलितों की कौन सी दुर्दशा हुई है, हम अपने पिछड़ों की कौन सी दुर्दशा हुई है, इन पिछड़ों के राज में ये समझने की जरूरत है। आज इन पिछड़ों के राज में जिस तरह से राजा का बेटा राजा पैदा होता था, बाबा साहब ने उसका ऑपरेशन किया था कि अब राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन अब फिर से वही होगा।
फिर से वही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, सांसद का बेटा ही सांसद बनेगा और मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा। हम दलितों पिछड़ों अति पिछड़ों का जो कोई अगर सत्ता में नहीं है तो हमें कहीं कोई सत्ता में स्थान नहीं मिलेगा। ये ऐसी तो दशा है। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने महापुरुषों के विचार पर चलती है, भारत के संविधान पर चलने वाली देश की एकमात्र पार्टी। हम तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि अब समय आ गया, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मैं भी प्रत्याशी था, बहुत ही बुरी तरीके से हम सबों का हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार के सामना करना पड़ा और हार करके अगर घर बैठ गए तो फिर हमारे बहुजन मिशन का क्या, फिर हमारे महापुरुषों के मिशन का क्या होगा, ये फिर महापुरुषों का मिशन हमारा कैसे आगे बढ़ेगा और महापुरुषों के सपनों को टूटता हुआ क्या हम सभी देख सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग? तो हम लोग अपनी गलतियों से सीखें कि आखिर हमें कहां कमी रह गई, हमें कैसे हार का सामना करना पड़ा। 2025 में आप जीते, हमारी बहुजन समाज पार्टी जीते, हमारा नीला झंडा बिहार में फहरे, हमारे हाथी आगे बढ़े, हमारी बहन मायावती के निर्देशन में बिहार में शासन हो, हमारे बहुजन समाज पार्टी का शासन हो, हम ये आपसे कहना चाहते हैं। हम छत्रपति साहू जी महाराज की वंशज, छत्रपति साहू जी महाराज ने जब विकट परिस्थितियों में जब ब्राह्मणवाद की जब स्थिति होती थी उसमें जब शूद्रों की आवाज उठाई, पिछड़ों की आवाज उठाई, पिछड़ों की आवाज उठाई, दलितों का मान सम्मान की लड़ाई लड़ी थी, आज तो बाबा साहब ने हमें इतना अच्छा सुंदर संविधान दिया है। उस सुंदर संविधान के लिए, उस सुंदर संविधान को जो रोज आघात जो लोग करते हैं उनको ताकत अपने दिखाने के लिए हम सबों को अपने मजबूती के साथ, अपने संविधान के साथ खड़े होकर, अपने बाबा साहब के साथ खड़े होकर, अपने छत्रपति साहू जी महाराज के साथ खड़े होकर के, उन सबके सपनों के साथ खड़े होकर, मानवर काशीराम साहब के मिशन के साथ खड़े होकर के इस बार 2025 के चुनाव में मजबूती से अपनी ताकत, हमारे सांसद जी ने कहा कि जो जहां है वहां अपने बूथ जीत ले, निश्चित रूप से आप अपनी बूथ जीतेंगे तो विधायक आपके जीतेंगे और आपके विधायक जीतेंगे तो 2025 में हमारी बहुजन समाज पार्टी के बिहार में सरकार होगी और हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे और उसी तरह से भारत जी के निर्देशन में बिहार में भी ऐसा शासन होगा, यहाँ गुंडे और मवालियों के ऊपर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिहार में दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार उसी दिन बंद हो जाएगा, हमें कहीं किसी को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस बात के लिए आपको कहना है, अगर आप चाहते हैं कि हम दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार बंद हो, अगर सही मामले में चाहते हैं कि हमारे बच्चों और बच्चों का भविष्य बिहार में उज्जवल हो, तो इसके लिए जरूरी है अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार की स्थापना करना और इन चोर लुटेरों से बिहार को मुक्ति दिला और इन राजा रजवाड़े जैसे जो लोग बिहार में राज कर रहे हैं उनसे बिहार को मुक्ति दिलाना है तो आपको अपनी बहुजन समाज पार्टी की ताकत को बताना होगा और तभी राजे रजवाड़े से मुक्ति बिहार को मिलेगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमारे बिहार में। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाए हैं, इस जयंती के माध्यम से पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज को एकत्रित करते हुए कैडर, अगर बहुजन समाज पार्टी का कैडर कोई जोड़ा, कोई कहे तो कोई एक दलित जाति का नहीं,
हमारे पिछड़े जाति के लोग भी खड़े हों, मैं भी बहुजन समाज पार्टी का कैडर हूं, मैं भी खड़ा हूं, तब हमारा बहुजन समाज पार्टी का एक कारोबार बिहार में, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसकी ताकत किसी की नहीं है जो इस कारोबार को रोक सकता है। तो मैं बस यही कहते हुए कि आप सबों ने जो मान और सम्मान यहाँ आकर के दिया, तमाम जो इस सभागार में उपस्थित है, मैं सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप बहुत कम समय में यहाँ उपस्थित हुए और आकर के आपने भाई अपने बेटा का मान सम्मान बढ़ाए, बहुजन समाज पार्टी का मान सम्मान बढ़ाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और ये कहते हुए कि आगे 2025 हम सबका हो, इसके लिए जरूर आज से ही अपने अपने गाँव और घरों में लग जाइए। जय भीम, नमो जय छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शाहू जी महाराज नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।